बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद इकरा असलम। स्टूडेंट्स, टुडेज़ वीडियो इज़ पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर वन, बटन बटन। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड स्टोरी लाइन इन डिटेल, एंड इन द सेकेंड वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, एंड टुडे इन दिस थर्ड पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स एंड पंक्चुएशन लाइन्स। सो स्टूडेंट्स, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द पेपर पैटर्न। तो आपको 20 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, जिसमें आपको 10 नंबर के सिनोनिम्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए जाते हैं, जो कि आपको इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज़ में से, प्ले और पोइम में से आते हैं। सेकेंडली, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स में आपको एक इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाता है शॉर्ट स्टोरीज़ में से, जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, और इस क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 15। और थर्ड वन है पंक्चुएशन लाइन। किसी भी शॉर्ट स्टोरी में से आपको एक लाइन दी जाएगी जिसको आपने पंक्चुएट करना है, और ये क्वेश्चन आपका होता है 5 मार्क्स का। और अगर आप इसको बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं तो आप पूरे 5 नंबर भी इसमें ले सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडू आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर वन, बटन बटन, के वो तमाम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि पास्ट पेपर में आते रहे हैं, और इस दफ़ा भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनमें से ही कोई एमसीक्यू आपको रिपीट हो सकता है। और ये ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए, बल्कि हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सिनोनिम्स का। आपको हर एंट्री टेस्ट में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो इसको आपने बहुत स्टार्ट से ही क्लियर कर लेना है। फर्स्ट सिनोनिम देखते हैं, ये है स्टेयर्ड। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, मुसलसल किसी को देखना, और इसका सिनोनिम होता है गेज्ड। सेकंड वर्ड है हमारे पास स्टिफेंड। तो स्टिफेंड का मतलब होता है सख्त हो जाना या अकड़ जाना, और इसका सिनोनिम है हार्डन। नेक्स्ट वर्ड है फैसेंट। फैसेंट का मतलब होता है बांधना। आपने अक्सर सुना होगा ये सेंटेंस, दैट फैसन योर सीट बेल्ट्स, यानी सीट बेल्ट बांध लें, तो इसका सिनोनिम है बाइंड या कनेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेस्ड। वो सेंटेंस आपने पढ़ा है चैप्टर में कि नॉर्मा रिप्रेस्ड हर स्माइल, यानी नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को रोकने की या दबाने की कोशिश की, तो इसका उर्दू मीनिंग होता है दबाना या रोकना, और इसका सिनोनिम है रेस्ट्रेंड। नेक्स्ट वर्ड इज सील्ड। सील्ड का मतलब है महफूज बनाना। जिस तरह चैप्टर में उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है बॉक्स की, कि उसको टेप के साथ सील किया गया या महफूज किया गया, और इसका सिनोनिम है सिक्योर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्राउंड। फ्राउंड का मतलब है माथे पर बल डालना, और इसका सिनोनिम है ग्लेयर। ये एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें हम गुस्से में किसी की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड का मतलब है शर्मिंदा, और इसका सिनोनिम है अपसेट या अनईजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब है दिलचस्प, और इसका सिनोनिम है इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पल्सिवली। जज्बाती तौर पर या साइमल्टेनियसली, और इसका सिनोनिम है इम्पीटियसली। नेक्स्ट वर्ड रेस्ट्रेंड। रिप्रेस्ड और रेस्ट्रेंड दो तरह से ये चैप्टर में आया, और इन दोनों का मतलब है रोकना, रोकने की कोशिश करना या दबाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कॉफिंग। स्कॉफिंग कहते हैं तंजिया या मजाक उड़ाने वाले अंदाज में, और इसका सिनोनिम होता है मॉकिंग, टू टॉन्ट समवन। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनक्रेडुलस, जिसका मतलब है नाकाबले यकीन, और इसका सिनोनिम है डाउटफुल या स्केप्टिकल। अगला वर्ड है हमारे पास अपॉल्ड। अपॉल्ड का मतलब है खौफजदा होना या डरे हुए होना, और इसका सिनोनिम है हॉरिफाइंग या शॉकिंग। शडर्ड, जिसका मतलब है कांपना, और इसका सिनोनिम है हमारे पास शिवर या शेक। Abruptly, अचानक, इसका सिनोनिम है सडनली। फ्यूररी, फ्यूररी कहते हैं
हंगामा या जोशो खरोश, और इसका सिनोनिम है एक्साइटमेंट। स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ाना, और इसका सिनोनिम है स्टैगर। गैस्प, गैस्प का मतलब है हांपना। जब आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हांपना, और इसका सिनोनिम है पैंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्ल्ड। वर्ल्ड कहते हैं मुड़ना या चकराना, और इसका सिनोनिम है रोटेट या रिवॉल्व। नेक्स्ट वर्ड इज़ गैजेट। गैजेट कहते हैं किसी भी आले को, जिस तरह से आपका मोबाइल एक गैजेट है, आपका लैपटॉप एक गैजेट है, और इसका सिनोनिम होता है इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल। जी तो स्टूडेंट्स, तमाम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स के बाद अब सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे तमाम इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स को। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि आपको पेपर में 15 नंबर का एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, और इसमें आपने सबसे ज़्यादा टेंसेस का ध्यान रखना होता है कि आप टेंस को चेंज ना करें। तो फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। एब्रप्टली शी बिगिन टू स्मैश इट ऑन द सिंक्स एज, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर अंटिल द वुड स्प्लिट। तो एब्रप्टली कहते हैं अचानक को, अचानक उसने उसे। आपने देखा कि इस लाइन में बटन यूनिट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि यहाँ पर बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, तो इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। तो किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर आपने उस टेक्स्ट में ऐड करना है जो उस टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, तो उसके लिए आप इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको ब्रैकेट के बग़ैर लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये गलत कंसिडर होगा, क्योंकि लाइन में कहीं पर भी बटन यूनिट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अचानक उसने उस बटन यूनिट को बेसन के किनारे पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि लकड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने लकड़ी के सिरों को खींच कर अलग किया। पुल का मतलब होता है खींचना। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, और उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं बेख्याली में। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स। तो ट्रांजिस्टर कहते हैं एक छोटी डिवाइस को जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो उस डब्बे में ना तो ट्रांजिस्टर थे, ना ही कोई तारें, ना ही ट्यूबें। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा बिल्कुल खाली था। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। वाइल शी वॉज स्टैकिंग डिशेज, शी टर्न्ड एब्रप्टली, ड्राइड हर हैंड्स एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट। तो जब वो प्लेटों को इकट्ठा कर रही थी, स्टैकिंग डिशेस का मतलब है टू पाइल अप द डिशेस, इकट्ठा करना या जोड़ के रखना। तो जब वो प्लेटों को इकट्ठा कर रही थी, शी टर्न्ड एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक। तो वो अचानक से मुड़ी, ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश किया, एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और अलमारी के निचले खाने से डब्बा उठाया। ओपनिंग इट शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, और उसको खोल कर उसने बटन यूनिट को मेज़ पर रखा। शी स्टेयर्ड एट इट, स्टेयर्ड अभी हमने सिनोनिम पीछे डिस्कस किया, स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को घूरना या गौर से देखना। तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक उसको घूरती रही बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, उस लिफाफे में से चाबी निकालने और उस डोम यानी उस गुंबद का ढक्कन हटाने से पहले। शी स्टेयर्ड एट द बटन, वो बटन को घूरती रही। हाउ रिडिकुलस, कितनी अहमकाना बात है। शी थॉट, उसने सोचा, ऑल दिस फ्यूरी ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये सारा हंगामा एक मामूली से बटन के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मास चेयर, यानी वो अंदर लाउंज में आ गए और मिस्टर स्टीवर्ड उस निशिस्त पर बैठ गए जिस पर पहले नॉर्मा बैठी थी। ही रीच्ड एन इनसाइड पॉकेट एंड विदड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप। तो विदड्रू कहते हैं निकालने को, तो उन्होंने अपनी कोट की अंदरूनी जेब से बंद लिफाफा निकाला जिसमें चाबी थी। इनसाइड हेयर इज़ अ की टू द बटन यूनिट डोम, और उन्होंने कहा
कि इसमें चाबी है इस बटन के गुंबद की या उस हिफाजती ढक्कन की। ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, और ये कहते हुए उसने वो चाबी कुर्सी के साथ मेज़ पर रख दी। द बेल इज़ कनेक्टेड टू द ऑफिस, और उसने कहा कि ये घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। तो वो पैकेट मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, जो ही नॉर्मा लिफ्ट से बाहर निकली तो उसकी नज़र उस पैकेट पर पड़ी। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक्ड द डोर। ग्लेयर्ड का वर्ड स्टूडेंट्स अगर आप रिकॉल करें तो हमने फर्स्ट पार्ट में जब सिनोनिम्स को डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि ग्लेयर्ड होता है किसी को गुस्से से देखना, माथे पर बल डालकर देखना, टू फ्राउंड एट समवन। तो वो कार्टन को गुस्से से या माथे पर बल चढ़ाते हुए या तेवरी चढ़ाते हुए देख रही थी। एज शी अनलॉक द डोर, जब वो दरवाज़ा खोल रही थी। आई जस्ट वुडेंट टेक इट इन शी थॉट, उसने सोचा कि मैं इसको अंदर लेकर नहीं जाऊंगी। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, तो वो अंदर चली गई और खाना तैयार करने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, द शोविंग क्राउड, ऑर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। शी फेल्ट अनरियल, यानी उस पर बेयकीनी की कैफियत तारी हो गई। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, क्योंकि बोलने वाला उसे बता रहा था सबवे एक्सीडेंट, उस जेरे ज़मीन होने वाले हादसे के मुतालिक। द शोविंग क्राउड, एक हजूम की धक्कम पेल में। ऑर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ऑर्थर जो था उसे धक्का लगा और वो ट्रेन के सामने गिर गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुड नॉट स्टॉप, तो उसे एहसास हो रहा था कि वो अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिला रही है सदमे की वजह से, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। तो स्टूडेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को डिस्कस करने के बाद वीडियो के लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पंक्चुएशन एक्सरसाइज को। आपको 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है पेपर में, कुछ लाइंस आपको दी जाती हैं पेपर में इस तरह से जो पंक्चुएट नहीं होती, और आपने उसको पंक्चुएट करना होता है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जहाँ ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ पर एम आपको स्मॉल नज़र आ रहा होगा, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज का ये एक रूल है कि हमेशा किसी भी लाइन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एम कैपिटल होगा, और उसके बाद सेकंड रूल ये है कि जब आप किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके बाद आपने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह एम आर जो है वो मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है, तो मिस्टर के बाद यहाँ पर इस तरह से फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टीवर्ड का, तो स्टीवर्ड एक प्रॉपर नाउन है, और इंग्लिश रूल्स के मुताबिक प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पर स्टीवर्ड का जो एस है उसको कैपिटल किया जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड, ये जो लाइन है ये राइटर की लाइन है और ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, जिसमें वो मिस्टर स्टीवर्ड की कंडीशन के बारे में हमें बता रहा है कि वो उस वक़्त शर्मिंदा नज़र आ रहा था। और इससे नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि नेक्स्ट जो लाइन है वो एक डायलॉग है, जो कि मिस्टर स्टीवर्ड का डायलॉग है, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है, तो जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है इंग्लिश रूल्स के मुताबिक वहाँ पर फुल स्टॉप आता है। तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप डालेंगे और यहाँ से आगे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। आई एम अफ्रेड, यहाँ पर रुक के ज़रा देखें आई एम को, आपको यहाँ पर ए ओमिट हुआ नज़र आ रहा है। आई एम की शॉर्ट फॉर्म है ये, और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो फिर हमें अपोस्ट्रॉफी डालनी होती है इसमें, तो आई एम में यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी आएगी। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी, अगेन वही चीज़। टू टेल यू दैट ही सेड, इस लाइन में मिस्टर स्टीवर्ट के डायलॉग को एज इट इज़ कोट किया गया है, और इंग्लिश रूल्स के मुताबिक जब आप किसी की लाइन को कोट करते हैं तो उसके लिए आपने यूज़ करने होते हैं कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास। तो उसके डायलॉग को हम एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, और जहाँ पर उसका डायलॉग ख़त्म हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास को बंद करने के बाद यहाँ पर आता है ही सेड, अगेन
ये राइटर की लाइन है, ये मिस्टर स्टीवर्ट की लाइन नहीं है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास को बंद करने के बाद यहाँ पर आएगा ही सेड, और क्योंकि यहाँ लाइन ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप। हाउ एवर से आगे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है, तो इंग्लिश रूल्स के मुताबिक एज कैपिटल होगा, और हाउ एवर के बाद क्योंकि एक छोटा सा गैप लिया गया है कॉन्वर्सेशन में, तो यहाँ पर आएगा एक कॉमा। आई एश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। आई हमेशा किसी भी टेक्स्ट में कैपिटल ही लिखा जाता है, तो इसको यहाँ पर हम कैपिटल कर देंगे। और बिल्कुल पिछली लाइन की तरह अगेन ये मिस्टर स्टीवर्ट का डायलॉग है, तो इसको हम क्योंकि एज इट इज़ कोट कर रहे हैं तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, और यहाँ पर आकर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे और एंड पर आएगा फुल स्टॉप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पंक्चुएशन के लिए इस चैप्टर में से। स्टूडेंट्स, ये हमारे वीडियो के तीनों पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और चैप्टर नंबर 1 बटन बटन भी इस कोर्स में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट स्टोरी लाइन से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक हर चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के साथ आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।